उत्तर प्रदेश के बाद अब उत्तराखंड ने भी गन्ना की कीमतों को बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अक्टूबर से शुरू हुई पेराई सीजन के लिए उत्तराखंड में गन्ने का मूल्य 355 रुपए तय किया गया है। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 रुपए प्रति क्विंटल तक गन्ने का दाम बढ़ाने का ऐलान किया था। अब गन्ना किसानों को 325 की जगह 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। सामान्य गन्ने के लिए 315 के बजाय 340 रुपए का भुगतान होगा। हालांकि किसान 400 रुपए प्रति क्विंटल की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि FRP वह न्यूनतम दाम होते हैं जिस पर चीनी मिलों को किसानों से गन्ना खरीदना होता है। कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि CACP हर साल FRP की सिफारिश करता है। CACP गन्ना सहित प्रमुख कृषि उत्पादों की कीमतों के बारे में सरकार को अपनी सिफारिश भेजती है। उस पर विचार करने के बाद सरकार उसे लागू करती है। सरकार गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के तहत FRP तय करती है। हरियाणा सरकार ने भी गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी है। अब यहाँ किसानों को 362 रुपए क्विंटल का रेट मिल रहा है। अब गन्ने की अगेती किस्म के लिए 362 रुपए प्रति क्विंटल व पछेती किस्म के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल का भाव दिया जा रहा है, जो कि पहले 340 रुपए था। गन्ना नियंत्रण बोर्ड की बैठक में इसका फैसला लेता है। इस वृद्धि के साथ ही हरियाणा देश में सबसे अधिक गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है। पिछले दिनों पंजाब सरकार ने 360 रुपए का रेट घोषित किया था। FRP बढ़ाने का फायदा देश के सभी गन्ना किसानों को नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि गन्ना का ज्यादा उत्पादन करने वाले कई राज्य गन्ना की अपनी अपनी कीमतें तय करते हैं। इसे स्टेट एडवाइजरी प्राइस यानी कि SAP कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा अपने राज्य के किसानों के लिए अपना ASAP तय करते हैं। आमतौर पर ASAP केंद्र सरकार के FRP से ज्यादा होता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो दाम बढ़ाने के बाद नई FRP 290 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीते साल ASAP के तौर पर 315 रुपए प्रति क्विंटल के दाम तय किए। सामान्य किस्म के गन्ना के लिए 315 रुपए प्रति क्विंटल है। इस तरह केंद्र सरकार के FRP बढ़ाने का उन राज्यों के किसानों को कोई फायदा नहीं होगा जहां ASAP की व्यवस्था है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।